हेलो माय डियर स्टूडेंट गुड इवनिंग वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस मैं पवन वर्मा अपनी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है इसमें हम लोग फोर वीडियो देख चुके हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ली चटेलियर प्रिंसिपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से तो हम लोग देखेंगे ली चटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट ली चटेलियर प्रिंसिपल स्टेटमेंट है इफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन वन आर मोर वायरिएबल सच एज कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर इटीसीब्रियम शिफ्ट इन सच वे एज अंडू दैट इफेक्ट ऑफ द तो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यदि आप टेपरेचर कंसंट्रेशन या प्रेशर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर की उसके इफेक्ट को निरस्त कर सके स्टेटमेंट हो गया दोस्तों तो यहाँ तो हम लोग देखेंगे पहला इफेक्ट इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यदि आप किसी भी इक्लिब्रियम रिएक्शन पे कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दूसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और तीसरा इफेक्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड बायलू अगर आप प्रेशर इक्विलिब्रियम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं पहला है इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसी भी इक्विब्रियम रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसनट्रेशन को आप डिक्रीज़ या इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्म विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन किसी भी इक्विब्रियम रिएक्शन पे यदि आप रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो दोनों केस में आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा आइए देखते हैं एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम स्टेट में है यहाँ आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा यहाँ पे एक चीज ये जान लीजिए कि जो आप करेंगे रिएक्शन आपको उसका अपोजिट करेगा आप इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका सरक, इसके कंसेंट्रेशन को कम करेगा यानी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज करेंगे रिएक्शन so, आपको क्या करेगा डिक्रीज करेगा जब रिएक्शन डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वही कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप इंक्रीज करते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर डिक्रीज करते हैं तो दोनों केस में रिएक्शन कहा जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसको डिक्रीज करेंगे तो कंसनट्रेशन को इंक्रीज करना चाहेगा प्रोडक्ट कंसनट्रेशन को रिएक्शन तब तो भी रिएक्शन कहा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंड है इफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उसके कंसेंट्रेशन को, तो को, तो को रिएक्शन इंक्रीज करना चाहेगा फिर यहां से क्या करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो दोनों केस में यदि आप प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं या रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को घटाते हैं तो दोनों केस में क्या होगा इक्विब्रियम शिफ्ट होगा डायरेक्शन में इंक्रीज आप अगर आप ज्यादा तो दूसरा इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ आप टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखिए इफ इंक्रीज द टेम्परेचर इक्विब्रियम शिफ्ट ऑन डायरेक्शन इन विच इट इज इंगडोथर्मिक रिएक्शन या एब्जर्व टेम्परेचर अगर सपोज कीजिए एक एक्जो थर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है इस केस में अगर यहाँ पर आपने क्या किया है हीट को अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या है हीट हीट क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट रिलीज हो रही है तो मतलब आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा रिएक्शन प्रोडक्ट को डिक्रीज करेगा हीट डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिधर हीट एब्जॉर्ब होगा उधर इक्विबलियम आपका शिफ्ट होगा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा सिमिलरली डिक्रीज टेंपरेचर इक्विबलियम शिफ्ट ऑन दैट डायरेक्शन इन विच इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हीट रिली, रिलीज अगर आप रिएक्शन के टेंपरेचर को डिक्रीज करेंगे रिक्शन क्या करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहेगा तो इक्म उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां इंक्रीज होगा डायरेक्शन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि एक जो थर्मिक रिएक्शन है अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इफ इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन नंबर ऑफ गैशिय मोल आर डिक्रीजेज अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ मोल्स अब इंक्रीज होंगे तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है और नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज करना चाहेगा तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे अमोनिया तो बन रहा है यहाँ क्या है टू मोल है तो यहाँ क्या है वन मोल और थ्री मोल टोटल कितना है फोर मोल तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पे गैसे मोल डिक्रीज हो रहे होंगे तो यहाँ क्या है फोर का टू हो रहा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसेंट्रेशन आप आप प्रेशर बढ़ाते हैं रिएक्टेंट रिएक्टेंट बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएं, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही लिखा आन इंक्रीज प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे द शिफ्ट इन फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन में जाएगा इधर उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा अंडू हो जाएगा हो जाएगा प्रभाव दोस्तों ली चटली प्रिंसिपल उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो